नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग दी जाएगी एक साल की तो उसकी उन्होंने कुछ सीट्स निकाली हैं तो उसके लिए हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में इसमें कौन से जो ट्रेड में कितनी सीट्स इन्होंने निकाली है और कौन से जो प्रोजेक्ट में कितनी सीटें हैं और कितने प्रोजेक्ट में ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इसमें कितनी जो एज लिमिट रखी है और कितने कैटेगरीज़ में जो ये सीटें डिवाइड कर गई हैं तो उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट टेक है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने पी डी एफ ओपन कर रखा है तो ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग पे है एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रोसेसिस टू इंगेज आई टी आई पास कैंडिडेट एज ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द्रेंटिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन फॉर वन ईयर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ओ एंड एम प्रोजेक्ट साइट अंडर द फ्लो मैं डेजिग्नेटेड ट्रेड्स तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसमें तो वीडियो बने बनी रहें पहले हमें सीरियल नंबर प्रोजेक्ट और ऑफिस बताएंगे ट्रेड एंड सीड्स रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग ड्यूरेशन एज सबसे पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है सैंज हेल्थ एच डिस्ट्रिक्ट कुल्लू सैंज प्रोजेक्ट है इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रीशन की चार पोस्टें हैं फिटर की आठ पोस्टें हैं और वेल्डर की दो पोस्टें हैं वो टोटल जो है सेंज जो प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इसके लिए इन्होंने चौदह पोस्टें जो हैं रखी हैं टोटल और इसमें रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट जो है जनरल के लिए सात पोस्ट हैं एस के लिए तीन हैं ओ के लिए तीन हैं ई के लिए एक है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी है आई पास कैंडिडेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स जो ट्रेड है उसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी है और ट्रेनिंग ड्यूरेशन वन ईयर है और एज लिमिट है मिनिमम एटीन ईयर और मैक्सिमम थर्टी ईयर और दूसरे नंबर पर जो इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है स्वरा कुडू एच डिस्ट्रिक्ट शिमला इसके लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए एट पोस्ट आठ पोस्टें हैं फिटर के लिए चार हैं वेल्डर के लिए एक है टोटल तेरह पोस्टें हैं और जनरल के लिए छः पोस्टें हैं एस के लिए तीन हैं ओ के लिए दो हैं यू आर के लिए एक है ई के लिए एक है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखी है इन्होंने और वन ईयर ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की और क्वालिफिकेशन भी जो है एज लिमिट है वो भी सेम है और तीसरे नंबर पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है ये रखा है इन्होंने इंटीग्रेटेड कशंग एच ई पी स्टेज वन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का ये प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रीशन की दो पोस्टें हैं इसमें फिटर की चार है वेल्डर की एक है टोटल सात पोस्टें इन्होंने जो किन्नौर प्रोजेक्ट है इसमें रखी हैं और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट जो है जनरल के लिए तीन पोस्टें हैं एस के लिए एक है एस के लिए एक है ओ के लिए एक है ई के लिए एक पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई पास कैंडिडेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन वन ईयर एज मिनिमम एटीन ईयर है और मैक्सिमम थर्टी ईयर है और आगे इन्होंने बताया है द रिलेक्शन इन मैक्सिमम एज इज़ फाइव ईयर फॉर एस सी एस टी थ्री ईयर फॉर ओ बी सी नीचे इन्होंने एप्लीवेशन बताया है एस सी एस टी के लिए और जो आपको इसमें स्टाइफंड मिलेगा स्टाइफंड के बारे में बताया है सात हजार दो सौ दस जो रुपये स्टाइफंड मिलेगा आपको पर मंथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग वालों को द अप्रेंटिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ अलाउंस और बेनिफिट एप्लीकेशन टू एनी सॉरी एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ एच पी पी सी एल तो स्टाइफंड आपको सात हजार दो सौ दस रुपए जो है स्टाइफंड मिलेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एंडबिलिटी विल बी एज पर प्रोविजन ऑफ एप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड अमेंडमेंट देयर प्रेफरेंस टू पी एफ पी ए फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल सीट आर मार्क फॉर कैंडिडेट फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्ट फैमिलीज एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज़ ऑफ सेंज एच ईपी स्वरा कुडू एच ईपी एंड कशंग एच ईपी स्टेज वन हाउ एवर कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड इशू बाय कंपीटेंट अथॉरिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंचायत एंड ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंसर्न एचपीपी सी एल ऑफिशियल फोर्थ पॉइंट बताया है ओनली हिमाचल प्रदेश डोमिस कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू तो अप्लाई जो ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो इसमें अप्रेंटिस के लिए जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं ये जो हिमाचल के कैंडिडेट्स हैं हिमाचली बोनोफाइड वही अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है और आगे उन्होंने बताया नो एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन स्टे अरेंजमेंट जो आपको रहने का जो अरेंजमेंट है अपना करना पड़ेगा यह जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए कोई रहने का प्रबंध नहीं करेंगे तो स्टे अरेंजमेंट जो है इन्होंने लिखा है अपना करना पड़ेगा आपको और सेवंथ नंबर पे कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल विद रिस्पेक्ट टू एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट अवेटेड रीअपेयर कैंडिडेट्स नीड नोट टू बी अप्लाई जिनका रिजल्ट जो एबेटेड है और रीअपेयर है किसी की सप्लीमेंट्री तो वो इस जो पोस्ट के लिए अप्लाई करनी पड़ पाया है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑपटेंड इन मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन टेंथ एंड कंसर्न आई टी आई कोर्स एज पर डिटेल इन गिवन ब्लो तो इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ट्रेड अप्रेंटिस आई टी आई पास कैंडिडेट्स वीटेज थर्टी परसेंट और सेवेंटी परसेंट टू कंसर्न आई टी आई ट्रेड टोटल हंड्रेड मार्क्स जो हैं ये रखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए और ये आपको अप्लाई कैसे करना है द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द टर्म एंड कंडीशन एज इन द एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट मस्ट हैव टू वैलिड मोबाइल नंबर ई मेल आई डी एंड आधार कार्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इट इज सॉरी आई टी आई पास कैंडिडेट शुड रजिस्टर दैम सेल्प ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल एट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अप्रेंटरशिप डॉट जी ओ वी डॉट इन में जाकर आप अप्लाई करें द कैंडिडेट शुड कीप स्कैंड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो साइज़ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ सेल्फ कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ आई टी आई पास सर्टिफिकेट इन डिजिटल फॉर्मेट डॉट जे पी जी और डॉट जे पी ई जी फाइल ओनली फॉर अपलोडिंग विद द आपको जो है एक पासपोर्ट साइज़ फोटो स्कैन करके रखनी है सिग्नेचर स्कैन करने हैं अपने और जो मेट्रिक टेंथ का सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके रखना है और आई टी आई का जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके रखें आप फॉर्मेट इन्होंने बताया है डॉट जे और डॉट जे फाइल में और आगे इन्होंने ये आपको स्कैन करके जो है अपलोड करने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाइड एट पोर्टल एंड सेंड अलोंग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स इन फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आई टी आई ओल्ड सेमेस्टर मार्कशीट एंड आई टी आई पास सर्टिफिकेट एचपी डोमेसिल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया कॉपी ऑफ आधार कार्ड कॉपी ऑफ पैन कार्ड द अबव मैं डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द रिस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ कंसर्न जनरल मैनेजर डी जी एम ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साइट एज मैं बिलो वेयर कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई फॉर अप्रेंटरशिप ट्रेनिंग बाई रजिस्टर्ड पोस्ट बाई हैंड ऑन और बिफोर पंद्रह अक्टूबर दो हजार उन्नीस टिल शाम पाँच बजे तक आप जो है द एप्लिकेशन रिसिव्ड आफ्टर दिस डेट शै नॉट बी एंटरटेनड अगर आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन पोस्ट है ये आप बाई हैंड दे दें पंद्रह दस दो हजार उन्नीस से शाम पाँच बजे से पहले वरना जो आपकी एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी और इन्होंने नीचे एड्रेस बता रखा है कि आपने कौन से एड्रेस में जो है ये अपने कॉपी भेजनी है इनको कैंडिडेट हु डिज़ाइर टू अप्लाई फॉर सेंज है एच ई पी तो ये इन्होंने बता रखे हैं एड्रेस और जो शॉर्ट लेटेस्ट कैंडिडेट शेल टू प्रोड्यूस ऑल औरिजिनल सर्टिफिकेट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई टी मार्कशीट एंड सर्टेन कास्ट सर्टिफिकेट एस टी सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे जो उन्होंने बुलाया शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट अपना जो ओरिजिनल जो इन्होंने ये सर्टिफिकेट वगैरह जो है अपने साथ में लेके आने जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ उन्होंने जो लास्ट डेट बताई है सबमिशन की वो पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को बताई है वो नेम ऑफ शोटलीसिज कैंडिडेट विल भी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड रिस्पेक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस बाय पच्ची दस दो हजार उन्नीस पच्चीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को जो है शोटलीस कैंडिडेट की जो है लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन साइट एट वन टाइम ठीक है देर विल भी नो एप्लीकेशन फी फॉर अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की इन्होंने कोई फीस नहीं है अप्लाई करने की तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये थी जो अप्रेंटिस हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग निकाली थी तो उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कितनी पोस्टें किस किस ट्रेड में हैं और जो ये तीन प्रोजेक्ट हैं कुल्लू शिमला किन्नौर इन तीनों में जो है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी एक साल की ट्रेनिंग होगी और एज लिमिट मैंने आपको बता दी अठारह से तीस साल और इसमें जो आपके जो डिजा डेजिग्नेटेड जो ट्रेड किया है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अप्रेंटिसशिप डॉट जी ओ वी डॉट इन में आप जो है जाकर अपना जो अप्लाई कर दें अप्रेंटिसशिप के लिए और ये मेरिट बेस पर जो है आपको जो अप्रेंटिस के लिए शॉर्ट करेंगे तो ये थी आज की अपडेट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें धन्यवाद जय भारत जय हिमाचल